आज हम आए हैं मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे एक लोकेशन है जिसका नाम है खोपोली पाली रोड। खोपोली पाली रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक पाली गणपति मंदिर के पीछे रोड जाता है जो भीरा को आगे जाके अटैच होता है, या फिर पाली मानगांव रोड भी उसको बोल सकते हैं। उस रोड को लग कर एक 44 गुंटा का रेडी रीसेल प्रॉपर्टी है जिसे अभी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो रोड है, इस रोड पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे ऑटो आपको ये जो खड़ी है ऑटो पाली तक जाती है, ऑटो मिल सकती है। और ऑटो के आगे जो ब्रेकर है जहाँ पे अभी गाड़ी स्लो हुई, वहाँ से इस साइड में ये जो एरिया है, ये सीमेंट के पोल से लेके यहाँ तक ये जो पेड़ खड़े दिख रहे हैं, ये पेड़ तक ये पूरा जो रोड फ्रंटेज है साधारणतः 150 फुट का है। और ये रोड फ्रंटेज इसी 44 गुंठा प्लॉट का है जो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये नगर परिषद के अंडर में आती है, मतलब पाली नगर परिषद के हद्दी में आती है। इसलिए यहाँ पे FSA आपको बड़ा मिलेगा। आपको यहाँ पे ये जगह रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट अभी है, फ़िलहाल एग्रीकल्चर लैंड पे, लेकिन रेजिडेंशियल जोन में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हैं जिसे कमर्शियल करना है, और जिसे जिसका जिसका पर्पज़ है होटल लाइन का, किसी को रेस्टोरेंट बनाना है, होटल बनाना है, या फिर पेट्रोल पंप बनाना है, उसके लिए बेहद ही अच्छी एकदम टेबल टॉप फ्लैट लैंड है। 1 एकड़ 4 गुंटे साधारणतः ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो छोटे छोटे पोल दिखाई दे रहे हैं ये सर्वे के पोल हैं। इसका प्राइवेट सर्वे हुआ है लेकिन गवर्नमेंट सर्वे नहीं हुआ। मैं ओनर को रिक्वेस्ट किया है कि आप गवर्नमेंट सर्वे करिए, तो जब भी अगर आप लेना चाहते हैं देखने के लिए आप आइए, इंटरेस्टेड होंगे तो देखने के बाद इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट सर्वे करके ही लीजिए। वैसा उनको भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, बेचने वाले ओनर को। ये जो सामने दिखाई दे रहे छोटे छोटे डिमार्केशन पोल, ये बाउंड्री है इस 44 गुंटा की। ये देखिए, ये 44 गुंटा की बाउंड्री है। लाइट का पोल आया है वहाँ पे, उसमें लाइट नहीं है, पुराना पोल है। और साधारणतः ये पूरी लैंड 95% टेबल है। और वो जो सामने जो बंगलो है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ रेडी फार्म है, वहाँ तक ये इसकी बाउंड्री हद जाती है। इस तरफ बात करें कि जो सीमेंट के पोल पोलिंग की हुई है, ये जो बांध है सीमेंट के पोल के साथ में ट्रैक्टर से, वहाँ तक ये 44 गुंठा लैंड है। इस जगह से पीछे एक गांव है वावलुली करके, पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर से ये जगह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पूरी मिट्टी है, भात खेती वाला प्लॉट है। यहाँ पे आप ये बड़ा साधारणतः 150 फुट का रोड फ्रंटेज होने की वजह से आप यहाँ पे कमर्शियल अच्छा कुछ कर सकते हो। फार्म हाउस के लिए थोड़ा कम परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ दोस्तों, फार्म हाउस के लिए यहाँ पे अगर आप फार्म हाउस बनाते हो तो आपको क्राउडली फील होगा, गाड़ी का हॉर्न आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे कमर्शियली रेंट आउट करना सही रहेगा। जैसे कि पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर होने की वजह से यहाँ पे लॉजिंग का बिजनेस अच्छा चल सकता है, यहाँ पे होम स्टे अच्छे चल सकते हैं, छोटे छोटे लॉजिंग बना के आप लॉज बना के रूम रेंट पे दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पब्लिक यहाँ पे सैटरडे संडे आती है गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। ये जो लोकेशन है मुंबई से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की और 1.25 घंटे की दूरी पे है। खोपोली यहाँ से पास में पड़ता है, सामने व्यू देख सकते हैं, सामने पहाड़ का व्यू है। ये सरसगढ़ किला है जो पाली का है, बाजू में डेवलपमेंट अच्छी है, एक रिजॉर्ट का काम चालू है। और ये है पूरा हमारा 44 गुंठा, मतलब 44 गुंठा 1 एकड़ 4 गुंठे का प्लॉट। ये जो लाइन दिखा रहे लाइट की, ये कुछ लाइन इस प्लॉट के ऊपर से गई है और कुछ लाइन आगे से है। रेट है इसका 2,50,000 रुपये पर गुंठा, निगोशियबल
ऐसे ही नए नए प्रॉपर्टी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।